गुड आफ्टरनून क्लास एट। बेटा मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में स्लो लैंड मोमेंट समझाए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सडन लैंड मोमेंट के बारे में। मॉर्निंग में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी थी। इसके दो तरीके हैं यहाँ पर, एक होता है वॉल्केनो जो एक सडन लैंड मोमेंट होता है, और अर्थक्वेक, ठीक है। तो यहाँ हम वॉल्केनो के बारे में समझते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्केनो के हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बच्चों को पता है कि नहीं पता, इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी, ओके। सो वॉल्केनो जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट जो है सडन चेंजेस हैं जो हमारी अर्थ में होते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जो हमारे अर्थ के इंटीरियर है, ठीक है, जैसे कि समझिए आप ये, वेट लेट मी टेक अ पेन, ये हमारी जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, कोर पार्ट है, जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाता है एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ का जो लिक्विड मटेरियल होता है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो वो जिस भी एरिया से निकल के आता है उसे ही हम वहाँ पर वॉल्केनो बोलते हैं। जैसे कि ये आपके वॉल्केनो का माउथ है तो इसे आप बोलेंगे क्रेटर, ठीक है। और जो लिक्विड मटेरियल होता है इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं मैग्मा। बट व्हेन दिस मटेरियल कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो एंड कूल्स डाउन, ओके, दिस इज एट दैट टाइम नोन एज लावा, क्लियर, ओके। सो वॉल्केनो इज़ अ राउंड होल और एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ में कहीं पर भी जहाँ पर अक्सर जो है वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो एक जो होल होता है दैट इज़ द एरिया अराउंड दैट ओनली इज़ नोन एज वॉल्केनो। सो एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड हॉट वाटर गैसेस पीसेस ऑफ रॉक्स ऐश स्मोक कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल। तो इस होल के अंदर से गर्म गैसेस गर्म लिक्विड पत्थर के टुकड़े राख स्मोक धुआं ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो होल फ्रॉम विच दीज सब्सटेंसेस, इस होल जिससे ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, इसे हम बोलते हैं माउथ और क्रेटर। और ये जो पूरी एक्टिविटी होती है इसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज़ हॉट, देर आर थ्री रीजन्स फॉर दिस हीट। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इंटरनल पार्ट होता है अर्थ का, जो कोर होती है अर्थ की, वो बहुत गर्म होती है और उसकी कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये कि जो इंटरनल पार्ट हॉट है वो तो एग्जिस्टेंस जब से हमारी अर्थ की ओरिजिन हुई है तब से ही हॉट है, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रिएट हीट। अंदर हमारी अर्थ की जब रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं जो हमेशा एक्टिव होते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो उनमें से हीट क्रिएट होती है। दूसरा, ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर्स द इंटरनल प्रेशर बिकम्स हॉट। आउटर ऊपर की जो अर्थ है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ता है कि जो इंटरनल कोर है हमारी अर्थ का वो अल्टीमेटली गर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू पीसेस। तो हमारे जो वैज्ञानिक है बेटा वो ऐसा मानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो पीसेस में डिवाइडेड है, ठीक है। इन पीसेस को हम बोलते हैं प्लेट्स, और ये प्लेट्स हमेशा zigzag मोमेंट करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से उन्हें हीट मिलती है तो दे यूज टू मूव। अर्थक्वेक और वॉल्केनो दैट इरप्ट्स ऑन अर्थ इज़ ड्यू टू द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स। अब हमारा जो अर्थक्वेक हो गया या तो फिर आपका वॉल्केनो हो गया, वो क्यों इरप्ट होते हैं? इन्हीं प्लेट्स के मोमेंट की वजह से, ठीक है। अर्थ का सरफेस जो है वो वीक पड़ जाता है, मोमेंट ऑफ प्लेट्स एंड मैग्मा पीसेस ऑफ रॉक एट्सेट्रा कम आउट ऑफ द अर्थ, और अंदर से जो सारा मटीरियल होता है वो अर्थ के बाहर आ जाता है इन प्लेट्स को प्लेट्स के बीच में से, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो दिया हुआ है। दो और जो टाइप होते हैं, एक और होता है डॉर्मेंट और एक और होता है डेड और एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है वो वॉल्केनोज ऐसे ज्वालामुखी जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, मतलब एक महीने एक बार हो गया, फिर सेकेंड मंथ में भी एक बार हो गया, थर्ड मंथ में भी एक बार हो गया, लाइक दिस, ठीक है। और हमारी अर्थ में इस टाइप के वॉल्केनोज बहुत सारे हैं जो इस तरह से इरप्ट होते रहते हैं, इसीलिए हमने इन्हें एक कैटेगरी में रखा है और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्लास के, कुछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना, ऐसे ही। तो एटना और स्ट्रैम्बोली ये कुछ वॉल्केनोज हैं इटली के जो एक्टिव वॉल्केनोज की कैटेगरी में आते हैं।
नेक्स्ट है अपने डोमेंट वॉल्केनोज. दीज आर द वॉल्केनोज विच वर फ्रीक्वेंटली इरप्टिंग अर्लियर बट समटाइम्स मे सडनली इरप्ट. अब डोमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनोज ऐसे होते हैं बेटा जो कई सालों पहले तो डोमेंट मतलब इरप्ट हुए थे, उसके बाद नहीं हुए हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, वी नेवर नो. इसलिए हम इन्हें बोलते हैं हाफ एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनो. ठीक है, तो वेस्यूवियस ऑफ इटली ऐसा ही एक वॉल्केनो. देखो बेटा वॉल्केनो उसको भी हमने नाम दिए हुए हैं, है ना, क्योंकि उससे क्या होती हैं स्टडीज़ ईजियर हो जाती हैं, इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं नेम दे देते हैं. हमने तो तूफ़ानों को भी नाम दिए हुए हैं, स्टॉर्म्स के नाम होते हैं ना. तो ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है. फिर आते हैं डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. ऐसा वॉल्केनो जो कई सालों पहले एक्टिव हुआ हो और अब उसके एक्टिव होने के या उसके इरप्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. क्लियर. माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका का एक ऐसा सच वॉल्केनो है जो कि कई सालों पहले एक्टिव हुआ था और अब उसके एक्टिव होने के कोई भी चांसेस नहीं है. क्लियर. आगे देखते हैं. मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन एंड इन द कॉन्टिनेंटल रीजन्स. तो काफ़ी सारे वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन जो है उसके आसपास पाए जाते हैं, और इसीलिए पैसिफिक ओशन के आसपास का जो रीजन है उसे हम रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं. क्लियर एवरीवन. चलिए अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ. तो वॉल्केनोज का हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो वॉल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशंस ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स, प्लेटियोज, माउंटेन्स एट्सेट्रा. तो बेटा वॉल्केनो जहाँ एक तरफ हमारे लिए बुरे तो हैं ही, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए गुडनेस भी लेके आते हैं. जैसे कि जब किसी वीरान जगह पर, पहाड़ पर या किसी भी एरिया में कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो वो जो एरिया होता है वो पठार बन जाता है, कभी कभी प्लेटियो प्लेन भी बन जाता है वो एरिया, माउंटेन भी वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं वॉल्केनो की वजह से. ठीक है, हमें वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं. जो लावा स्प्रेड हो जाता है तो कभी कभी वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर सालों साल खेती ना हो. ठीक है, डेड वॉल्केनोज माउंटेन फिल्ड विथ रेन वाटर क्रिएट्स लेक्स. अब डेड वॉल्केनो के जो माउथ होते हैं, जैसे कि जो वॉल्केनो डेड है या एक्सटिंक्ट है ना, तो उनका जो माउथ जो क्रेटर होता है वो थोड़ा सा ऐसे लो लैंड सा होता है, तो जब बारिश में वो भर जाता है पानी से तो वो लेक की जैसे अपीयर करता है, झील बन जाता है. ठीक है, तो वॉल्केनोज की अच्छाइयाँ भी हैं, इनकी बुराइयाँ भी हैं बेटा. वॉल्केनो जो है हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं. कैटल हो गए, वेजिटेशन हो गए, एग्रीकल्चर लैंड्स हो गए, है ना, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव जो हैं जल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. तो ओके, तो इस तरह से वॉल्केनो समटाइम्स आर गुड एंड समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर बैड. ओके, चलिए बेटा आगे देखते हैं. हमारा है अर्थक्वेक. ठीक है, सो द वर्ड अर्थक्वेक इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ. तो जब भी आपके दिमाग में अर्थक्वेक का नाम आता है तो आप क्या समझते हैं उससे, शेक होना हमारी अर्थ का. ठीक है, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है वैसे ही अर्थ शेक हो जाती है. जैसे कि आप कभी किसी रुके हुए पानी में एक पत्थर डालेंगे तो उस पानी के साइड में रिपल्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं. ठीक है, ओके, तो जब आप किसी ठहरे हुए पानी में आप पत्थर फेंकते हैं बेटा तो उसमें से रिपल्स वेव्स स्प्रेड होती हैं. ठीक है, तो सेम उसी तरह से आपका जो अर्थक्वेक है उसमें से भी वेव्स निकलती हैं. ओके, और वही वेव्स जो होती हैं वो वेव्स हमें ऐसे लगती हैं कि आपकी जो अर्थ है वो शेक कर रही है, हिल रही है. ठीक है, तो जहाँ पर ये अर्थक्वेक अकर होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर या तो फिर फोकस, एंड प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस. ओके, तो जहाँ पर अर्थक्वेक जो है जनरेट होता है या फिर अकर होता है, एट दैट प्लेस इज़ नोन एज एपिसेंटर. और उस प्लेस के एग्जैक्टली ओवर जो प्लेस होती है जहाँ पर अर्थक्वेक पहले फील हुआ है, दैट प्लेस इज़ नोन एज अर्थक्वेक सेंटर. क्योंकि बेटा अर्थक्वेक यहाँ पर जैसे जनरेट हुआ, ठीक है, तो अंदर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आसपास का जो एरिया बुलाए हम उसे बोलेंगे अर्थक्वेक सेंटर.
ओके नाउ द क्वेश्चन इज़ के अर्थक्वेक अकर क्यों होते हैं. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे सडन मोमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक अकर होते हैं, और कभी कभी तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक हो जाते हैं. ठीक है. सम टाइम द गैसेज और वेपर बींग फॉर्म्ड अंडर द बॉटम ऑफ द अर्थ ब्रेक द अर्थ क्रस्ट टू कम आउट. कभी कभी अर्थ के इंटीरियर में वेपर बन जाती हैं, गैसेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई स्पेस चाहिए होता है, तो वो अर्थ की क्रस्ट के थ्रू आती हैं और हम उस समय हमें अर्थक्वेक जो है फील होता है. ठीक है. तो लाइक वॉल्केनोज द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक एशियन एक्सपीरियंसेस ट्रेमर ऑफ मेनी अर्थक्वेक. जैसे कि हमने आपको अभी बताया था वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं पैसिफिक एशिया पैसिफिक ओशन के आसपास, तो वैसे ही अर्थक्वेक के ट्रेमर्स मतलब बेटा अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं झटके जो होते हैं वो. ठीक है. तो पैसिफिक ओशन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक के ट्रेमर्स भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए जाते हैं. जैसे कि जापान जो है, जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है. मतलब वहाँ के लोगों की माइंडसेट होती ही है कि अर्थक्वेक आएंगे और हमें इन्हें जो है झेलना ही है. ठीक है. तो इसलिए उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग ही बना लिया है. मोमेंट एरिया माउंटेन एरियाज़ का अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे यहाँ की कंट्री का जो हिमालय जोन है, हिमालयन जो एरिया है वो अर्थक्वेक जोन है. मतलब इन दैट एरिया अर्थक्वेक इज़ वेरी फ्रीक्वेंट. तो जिस तरह से हमने वॉल्केनो के मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े थे, अर्थक्वेक के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. सबसे पहले ये होता है कि फर्टाइल लैंड बन जाती है कभी कभी, है ना. न्यू लैंड एरियाज फॉर्मेट हो जाते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स हमें मिलते हैं, लेक्स फॉर्म हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से. अगर वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, ज़मीन क्रैक कर दिया है तो, है ना. और हार्मफुल तो बहुत ज़्यादा उठते हैं बेटा. लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी होता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, रेलवे रोड ब्रिजेस फैक्ट्रीज. एंड समटाइम द अर्थक्वेक में ऑल्सो कैन अकर द फ्लड्स. बाढ़ आ जाती है. ठीक है. जिससे क्या होता है कि हाई एंड डिवेस्टेटिंग सी वेव राइज. सुनामी जो है वो इंटीरियर जो अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आई थी, राइट. क्रैक्स डेवलप हो जाती है ज़मीनों में. ओके. इससे क्या होता है कि ज़मीन धस जाती है अंदर की तरफ, वो जो प्लेन एरिया जो है वो लो लाइंग एरिया बन जाते हैं. तो अर्थक्वेक की वजह से हमें हमेशा नुकसान ही ऑब्वियसली होता है. फ़ायदा तो बहुत 1% टाइप ही हम अगर एडवांटेजेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑलवेज वेरी डिस्ट्रक्टिव. क्लियर. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, एंड इसकी एक्सरसाइजेज एंड नोट्स आई विल ट्राई टू सेंड टूडे. क्लियर.